हेलो स्टूडेंट, दिस इज आकाश शर्मा और आज हमारा मैथ्स में टॉपिक चल रहा है निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक के बारे में हम कुछ पढ़ चुके हैं, आइए इस कक्षा में निर्देशांकों के बारे में कुछ आगे जानकारी को प्राप्त करते हैं। देखिए, आपको दिया हुआ है कार्तीय तल। कार्तीय तल क्या होता है, हम अच्छे से पढ़ते हैं। इसमें संख्या पद्धति के अध्याय में आप संख्या रेखा के बारे में पढ़ चुके हैं। क्या पढ़ चुके हैं? संख्या रेखा के बारे में अच्छे से पढ़ चुके हैं। आपकी नंबर लाइन क्या होती है? नंबर लाइन संख्या रेखा पर एक नियत बिंदु से दूरियों को बराबर एकांकों में एक दिशा में धनात्मक और दूसरी दिशा में ऋणात्मक अंकित किया जाता है। क्या किया जाता है? एक तरफ तो आपको धनात्मक किया जाता है, से 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ ऐसे इस तरीके से लिख लेंगे, और यहाँ आपको माइनस का लिखते चलेंगे, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4, माइनस का 5। यह आपका 0 बीच का मध्य बिंदु हो जाता है, और उस बिंदु को जहाँ से दूरियाँ अंकित की जाती हैं मूल बिंदु कहा जाता है। क्या कहेंगे इसको? मूल बिंदु। मूल बिंदु क्या कह सकते हैं हम इसको? ओरिजिन। एक रेखा पर समान दूरियों पर बिंदुओं को अंकित करने पर संख्या रेखा का प्रयोग संख्याओं को निरूपित करने के लिए करते हैं। यदि एक 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 दूरी संख्या एक को निरूपित करती है तो 3 1 1 दूरी 3 को निरूपित करती है। कि आपकी दूरी क्या है? यहाँ से एक तक की दूरी है। दूरी कितनी है आपकी? यहाँ से 3 तक की दूरी है। कितनी भी दूरी हो सकती है, वो दूरी आपकी 4 तक भी हो सकती है, आपकी 4.5 तक भी हो सकती है, 3.2.5 तक, और आपकी 3.5 तक भी हो सकती है, को निरूपित करेगी जहाँ ओ मूल बिंदु है। ये क्या है आपका? मूल बिंदु आ गया यहाँ पर, दिख गया आपको, ओ मूल बिंदु है, और मूल बिंदु से ऋणात्मक दिशा में दूरी आर पर स्थित बिंदु संख्या आर को निरूपित करती है। किसको निरूपित करती है? आर को। और फिर क्या आएगा आपका? मूल बिंदु से ऋणात्मक दिशा में दूरी आर पर स्थित बिंदु संख्या आर को निरूपित करती है। संख्या रेखा पर विभिन्न संख्याओं के अध्याय की आकृति 3.5 में दर्शाए गए हैं। देखिए, मूल बिंदु आपको जिस प्रकार से मैंने यहाँ क्वेश्चन में बताया, और आपको एक एक दूरी दी गई है, दूरी क्या है आपकी? समान है, 0 से लेकर 1 तक, 1 से लेकर 2 तक, 2 से लेकर 3 तक, 3 से 4, 4 से 5, आगे जितनी भी होंगी आपकी बराबर होंगी। ये क्या हो गई आपकी? एक एक दूरी। यहाँ से क्या आ गई? ये आपकी एक समान दूरी। और मूल बिंदु क्या आ गया आपका? ओ आ गया। इसी प्रकार यहाँ से माइनस में चलेंगी संख्याएँ, -3 या -4 या -5, और ये इस प्रकार आगे भी चलती रहेंगी, -6 -7, अगर आगे संख्याएं दी गई होंगी। तो इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को करेंगे, और हम कार्तीय तल के बारे में अच्छे से समझ लिया है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। कार्तीय तल में बिंदुओं का आलेख किस प्रकार होता है? तो कार्तीय तल में बिंदुओं का आलेख आइए समझते हैं। कार्तीय तल में क्षैतिज रेखा एक्स अक्ष पर तथा ऊर्ध्वाधर रेखा वाई अक्ष पर कहलाती है। तो आपको पता है क्षैतिज क्या होती है? हॉरिजेंटल, ये रेखा जो लेटी हुई है, और ऊर्ध्वाधर जो खड़ी हुई है। ये वाई अक्ष और ये एक्स अक्ष, इतना समझ में आया? ये आपकी होती है ऊर्ध्वाधर। किसको क्या बोलेंगे आपकी? ये क्या आ गई आपकी? क्षैतिज। क्षैतिज क्या हो गया आपकी? हॉरिजेंटल। हॉरिजेंटल ये आपकी हॉरिजेंटल आ गई, और ये आ गई आपकी वर्टिकल। इसको क्या नाम दे सकते हैं हम? वर्टिकल। तो ये आपका आ जाता है, वाई अक्ष तो आपका आता है वर्टिकल, और एक्स अक्ष क्या होता है आपका? हॉरिजेंटल। इतना आपको समझ में आया? अब क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या कह रहा है? निर्देशांक अक्ष तल को 4 भागों में विभक्त कर देती है जो चतुर्थांश कहलाते हैं। तो आपके 4 भाग तो हो ही गए तल के, इस प्रकार आप 4 भाग बना सकते हैं, एक भाग, दूसरा भाग, तीसरा भाग, चौथा भाग। अब अक्षों के प्रतिच्छेद बिंदु को मूल बिंदु कहते हैं। तो जहाँ से प्रतिच्छेद होता है, वो जो बिंदु होता है बीच वाला जिसको हम ओ मानते हैं, वहाँ से क्या होता है? वो मूल बिंदु कहलाता है। क्या कहलाएगा आपका? वो मूल बिंदु। मूल बिंदु। अब क्वेश्चन नंबर 4 क्या है हमारा? पॉइंट नंबर 4, किसी बिंदु या भुज या एक्स निर्देशांक जिसकी एक्स अक्ष से दूरी होती है तथा किसी बिंदु की कोटि वाई अक्ष निर्देशांक उसकी
एक्स अक्ष से दूरी होती है, इतना आपको पता है। और फिफ्थ क्वेश्चन, फिफ्थ क्या है पॉइंट आपका, एक्स वाई उस बिंदु के निर्देशांक कहलाते हैं जिसका भुज एक्स और कोटि वाई हो, ठीक है, इतना आपको समझ में आया। अब सिक्स देखिए, एक्स अक्ष पर स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक एक्स जीरो के रूप में होते हैं, मतलब तो वाई अक्ष पर वाई के निर्देशांक, क्योंकि कहाँ से शुरू होता है आपका, ये जीरो से। देखिए वाई अगर आप यहाँ लेते हैं, एक्स यहाँ लेते हैं, यहाँ आपका ओ आ जाता है बीच में, ओ या जीरो, इसको हम ओरिजिन बोलते हैं, जहाँ से मूल बिंदु, जहाँ से स्टार्ट होते हैं। तो आप क्या ले सकते हैं, या इसको लेंगे आप 0y और इसको लेंगे आप 0x, इतना आपको समझ में आया। अब देखते हैं y, 7 आपका मूल बिंदु के निर्देशांक 0 0 होते हैं, तो निर्देशांक 0 0 ही तो होंगे क्योंकि आपका मूल बिंदु यहीं से स्टार्ट होता है। अगर आप x एक्स की तरफ जाएंगे, y की तरफ जाएंगे, तो भी आपका क्या होगा, 0 बिंदु, 0 ही निर्देशांक होते हैं। अब प्रथम चतुर्थांश में किसी बिंदु के चतुर्थांश के चिन्ह क्या होते हैं, प्लस, और ये भी प्लस, द्वितीय चतुर्थांश में माइनस और प्लस हो जाते हैं, तीसरे चतुर्थांश में आपके क्या होते हैं, माइनस और माइनस हो जाते हैं, तीसरे में माइनस माइनस, द्वितीय में आपके माइनस। अब इस तरीके से हम इसको बना सकते हैं चतुर्थांश को, फर्स्ट वाले में प्लस प्लस, द्वितीय वाले में माइनस प्लस, थर्ड वाले में माइनस माइनस और फोर्थ वाले में प्लस माइनस, इस प्रकार ये क्या हो जाते हैं हमारे निर्देशांक। यहाँ प्लस प्लस लेंगे, सेकंड वाले में माइनस प्लस लेंगे, थर्ड आपका क्या लेंगे, माइनस माइनस, और फोर्थ में आपके क्या लेंगे, माइनस प्लस माइनस, इतना आपको समझ में आया इस क्वेश्चन के बारे में। अब देखते हैं क्रमिक युग्म, क्रमिक युग्म क्या होंगे, चतुर्थांश के किसी भी बिंदु, किसी भी भाग में, या एक्स वाई समतल पर स्थित किसी बिंदु की स्थिति को दर्शाने के लिए एक्स निर्देशांक तथा वाई निर्देशांक को हमेशा एक युग्म में लिखते हैं, जिसे क्रमिक युग्म कहते हैं, क्या कहेंगे, क्रमिक युग्म। और एक्स निर्देशांक और वाई निर्देशांक को कहाँ लिखते हैं, एक युग्म में लिखते हैं, युग्म क्या होता है, पेयर, एक जोड़े में लिखते हैं, और किस प्रकार समतल आपकी क्या स्थिति है। अब देखिए आपका आ जाता है उदाहरण, आपको नंबर 1 दिया हुआ है, नीचे दी गई आकृति 3.11 को देखकर निम्नलिखित कथनों को पूरा कीजिए, बिंदु बी का भुज और कोटि आपको दिए गए हैं, डैश और डैश हैं, अतः बी के निर्देशांक हैं। सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है, बिंदु एम के एक्स निर्देशांक और वाई निर्देशांक क्रमशः ये दिए हैं और ये है, अतः एम के निर्देशांक हैं, इस प्रकार दिया गया है, वो पूछा गया है आपसे। और बिंदु L के निर्देशांक X और Y क्रमशः ये और ये है, अतः L के निर्देशांक, तो आपसे यहाँ पर B के निर्देशांक, M के निर्देशांक और L के निर्देशांक। अब क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है, बिंदु S के, तो यहाँ S के निर्देशांक पूछे गए हैं, इस प्रकार X और Y है, क्या है, X निर्देशांक और Y निर्देशांक है क्रमशः, तो आपके X और Y हैं, और S के निर्देशांक क्या हो गए आपके, एक्स वाई, ये भी क्या हो गए आपके, एक्स वाई दिए गए हैं, ये भी आपके एक्स वाई दिए गए हैं, और ये भी आपके क्या आएंगे यहाँ पर, एक्स और वाई। इतना आपको समझ में आया इस क्वेश्चन में कि उदाहरण में क्या पूछा गया था और हमने क्या किस प्रकार इसको सॉल्व करना है। अब देखते हैं, क्वेश्चन दिया गया है आपको, क्योंकि वाई अक्ष से बिंदु बी की दूरी 4 एकक है, इसलिए बिंदु बी का एक्स निर्देशांक या भुज 4 होगा, एक्स अक्ष से बिंदु बी की दूरी 3 एकक है, इसलिए बिंदु बी का वाई निर्देशांक अर्थात कोटि 3 होगी, अतः बिंदु बी के निर्देशांक 4 और 3 हैं, क्या है, 4 और 3 हैं। तो आप देखिए किस प्रकार लिए गए हैं, यहाँ से हमने क्या लिया है, 4, इतना आपको दिख गया होगा, और ये क्या लिया है हमने, 3, हमने इनकी निर्देशांक को ग्राफ पेपर पर ले लिया, क्या है ये आपका, ग्राफ पेपर, ये आ गया आपका 4 और ये आ गया आपका 3। अब देखिए फिर क्या करेंगे आप, वाई एक्स में, वाई एक्स से बिंदु 3 एकक लिया है आपने यहां पर, और क्या लिया है आपने, देखिए इस क्वेश्चन को देख लेते हैं पहले,
ये हम इस प्रकार के क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं। तो आपको यहाँ से दी गई है दूरी और ये आपको 4 दिया गया है यहाँ से M वाले बिंदु पर, और M बिंदु पर क्या दिए गए हैं आपको, माइनस थ्री और फोर। हम चित्र में देख के इसको करेंगे, यहाँ पर क्या दिया गया है -3 और ये 4, तो हमारे इस प्रकार आ गए। अब इसमें देखिए L के निर्देशांक आपको -5 और -4 है, तो हमने क्या किया, ये माइनस माइनस वाले होते हैं क्योंकि, तो हमने -5 और क्या लिया है 4 माइनस के, ये आपके इधर से उल्टे चलेंगे और यहाँ से आपके ऊपर जो चलते हैं वो आपके पॉजिटिव में, और नीचे जो चलेंगे आपके निगेटिव में लगे, नीचे वाले किसमें लिए हैं निगेटिव में। तो हमने इस प्रकार लगा दिया, ये आ गया आपका प्लस प्लस, ये माइनस प्लस, ये माइनस माइनस। अब ये देखते हैं आपका कहाँ तक आ रहा है, 3 और आपके 4 दिए हुए, तो 3 लगा लिया प्लस का, माइनस का क्या आ गया 4, इतना समझ में आया। तो ये क्या आ गया आपका प्लस माइनस, क्या आ गए इस प्रकार। हमने इन क्वेश्चंस को देखिए दिए गए हैं आपके इसमें क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 1, आपको कुछ क्वेश्चंस भी दिए गए हैं इसमें, तो हमने इसको लिख लिया प्लस और माइनस। इस प्रकार हमने क्या किया है, ग्राफ पेपर से पूरा आपका एक बनाकर दिया है, और ये आपको दिया गया एक्स अक्ष और ये दिया गया आपको वाई अक्ष। तो वाई अक्ष आपका इस प्रकार है और एक्स अक्ष आपका इस प्रकार यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित प्रश्नों में से प्रश्न का उत्तर दीजिए। कार्तिक के तल में बिंदु, किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने के लिए वाली क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं के नाम क्या है। तो आपकी क्षैतिज कैसी होती है, ये रेखा हो गई, क्या हो गई क्षैतिज, और आपकी जो खड़ी रेखा हो जाती है वो क्या हो जाती है आपकी ऊर्ध्वाधर। सेकेंड क्वेश्चन, इन दो बिंदुओं से बने तल के प्रत्येक भाग के नाम बताइए, ये बताने हैं। और थर्ड में क्या है, उस बिंदु का नाम बताइए जहाँ से दो रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं या होती हैं। तो फर्स्ट क्या दिया हुआ है, एक्स अक्ष और वाई अक्ष। सेकेंड, चतुर्थांश हमारा इसका आंसर है, तो हमारे क्या नाम है उनके, एक्स अक्ष और वाई अक्ष। तो इसको हम क्या देते हैं, एक्स अक्ष नाम देते हैं, और इसको क्या देते हैं, वाई अक्ष नाम देते हैं। और इन दो बिंदुओं के बीच से तल के प्रत्येक भाग के नाम क्या बताना है, चतुर्थांश। इधर हम क्या लेंगे, प्लस प्लस, ये माइनस प्लस, ये माइनस माइनस और ये प्लस माइनस, हम इनके चिन्ह ले लेंगे चतुर्थांश। इसको पूरे को क्या बोलते हैं हम, चतुर्थांश। इसके 4 भाग होंगे, कितने भाग हैं, 4 भाग। अब आता है आपका, उस बिंदु का नाम बताइए जहां ये दो रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं, मूल बिंदु, क्या हो गया आपका मूल बिंदु, ये यहां पर प्रतिच्छेद कर रही है। ओ को हम क्या मान लेते हैं यहां पर, मूल बिंदु। तो मूल बिंदु से जितनी भी रेखाएं होती चलती हैं वो यहां से, ये आपकी एक्स, आपके आ गए वाई अक्ष आपकी ऊर्ध्वाधर लाइन, और एक्स अक्ष आ गए आपकी क्षैतिज लाइन। अब देखिए क्वेश्चन नंबर दिया गया है आपको, और इस क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए आकृति देखकर निम्नलिखित को लिखिए, बी के निर्देशांक लिखने हैं हमें, सी के निर्देशांक, निर्देशांक -3 और 5 के पहचाना गया बिंदु 4, अब निर्देशांक 2 और -4 द्वारा पहचाना गया बिंदु, बिंदु डू या भुज, बिंदु एच के कोटि, बिंदु एल के निर्देशांक और एम के निर्देशांक। तो अब देखिए बी के निर्देशांक कहाँ हैं, दिख गए होंगे आपको 5 और 2, तो माइनस का 5 और 2। सी के निर्देशांक क्या हो गए आपके 5, यहाँ से देख लेते हैं सी के 5 और -5। अब देखिए निर्देशांक -3 और -5 द्वारा पहचाना गया बिंदु ई, क्या है आपका ई बिंदु, निर्देशांक 2 और -4 द्वारा पहचाना गया बिंदु आपका आ गया जी, और बिंदु डी द्वारा भुज कितनी आ गई आपकी 6। तो बिंदु डी देख लेते हैं यहाँ पर कहाँ पर है आपको, ये रही, कितना आ गया आपका 6 तक दिया गया है आपको यहाँ पे। बिंदु H की कोटि, H देख लेते हैं कहाँ पर है हमारा, H आपको यहाँ तक दिया गया है, H की कोटि आपकी क्या है, तो कोटि है -3। बिंदु L के निर्देशांक देखिए यहाँ पर दिए गए हैं 0 और 5,
और बिंदु M के निर्देशांक क्या दिए गए हैं, -3 और 0। तो आज हमने क्या सीखा कि हम किस प्रकार निर्देशांकों को बांट सकते हैं। निर्देशांक आपके x अक्ष यहाँ पर होता है नीचे वाला हॉरिजेंटल वाला, और ये आपके y अक्ष, इस पर दिए गए होते हैं यहाँ प्लस प्लस या माइनस प्लस या माइनस माइनस और या प्लस माइनस। आगे का हम नेक्स्ट क्लास में सीखते हैं। आज के लिए थैंक यू।